myself Khusro Mohin, and I am playing a character of Gaurav. Hello, I am Muhammad Javed, and I am presenting the role of Shahid. Hello, I am Basit. I am playing the role of Anil. This is the story of three people who are friends. They are showing the nature of helpfulness and try to eradicate the ill thoughts of the society. हेलो शाहिद, कैसा है? हाँ गौरव, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बता यार, सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और पता है तुझे, मेरा एमयू में नाम आ गया है एडमिशन के लिए। तेरा क्या हुआ? हाँ यार गौरव, मेरा भी हो गया, और अनिल ने भी तो दिया था, उसका क्या रहा यार? मेरी बात हुई थी अनिल से, लेकिन यार उसके घर वालों से परमिशन नहीं दे रहे, तो वो जाने को मना कर रहा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसके घर वाले जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? हाँ हाँ, शायद मेरी इतनी बात नहीं हुई अनिल से, सिर्फ इतनी बात हुई थी एडमिशन के सिलसिले में, तो उसने ये बताया कि उसके घर वाले मना कर रहे हैं। चल छोड़, ऐसा करते हैं, हम शाम में मिलते हैं और अनिल के घर चलते हैं। ठीक है, ओके। के साथ आ रहा है ना? नहीं यार, पेरेंट्स जो अलाउ नहीं कर रहे मुझे जाने के लिए। क्या कह रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं आने दे रहे हैं? वो मुझे कह रहे हैं वहाँ सेफ नहीं है तुम्हारे। यार क्या सेफ नहीं है, मैं भी तो जा रहा हूँ, मेरे घर वाले भी तो मुझे जाने दे रहे हैं। तुम्हारे घर वाले जाने दे रहे हैं, पर मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। भाई तू सोच यार, लाइफ में अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार आती है, और ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हम तीन दोस्त एक साथ होंगे, पढ़ाई करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे। यार मेरे पेरेंट, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता ना। ठीक है, अपने पापा को देखना, तेरे पापा से वो बात। नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर लूंगा, तुम्हें कोई भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं सोच ले एक बार, अगर ऐसा है तो कुछ पेरेंट्स बात कर लेंगे, पेरेंट्स लोग। नहीं नहीं, मैं खुद बात करूंगा, मैं उनको खुद कन्विंस करूंगा जाने की। तू कर पाएगा कन्विंस? मैं कोशिश करूंगा। देख अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, तीनों दोस्त एक साथ जा सकते। तुझे बात करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा यार। मैं बात करता हूँ उनसे कि मुझे जाने दे वहाँ पे। तो कल तू आ रहा है ना? कोशिश करूंगा आने की। तुझे आना होगा, तुझे आना पड़ेगा। हाँ कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं, तुझे आना होगा। हम वेट कर रहे हैं, हम तेरा वेट करेंगे स्टेशन पर, तुझे आना होगा। ठीक है, मैं आऊंगा। चल उम्मीद करते हैं। ठीक।
नमस्ते पिताजी, क्या हाल है? ठीक है जी। पिताजी मुझे फीस की जरूरत थी, एग्जाम आ रहे हैं, मुझे हॉल ड्यूज भरना है। जी पैसे की बहुत जरूरत है मुझे, अगर फीस नहीं सबमिट किया तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर पैसा कौन देगा? मेरा भविष्य का क्या होगा? नमस्ते बेटा। पिताजी आपने समय पर पैसे भेज दिए इसलिए मैं एग्जाम दे पाया, वरना भेज दिया तो फिर मैं एग्जाम नहीं दे पाया। पैसे बेटा? पैसे तो मैंने नहीं भेजे। आपने तो पैसे डाले, आपने डाले तो फिर किसने डाला? नहीं बेटा, मैंने नहीं डाले थे। ओ चलिए ठीक है, मैं आपसे बात करवा दे। कल पहले इंटरव्यू है, बहुत डर लग रहा है। देख अभी डरने की कोई बात नहीं है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा यार, बी कॉन्फिडेंस यार, तू परेशान मत हो यार। डर डर के क्या होगा यार, हो जाएगा तुम दोनों का, मत परेशान हो। हम सबका हो जाएगा, 100% हम तीनों का होगा, भगवान करे हम सबका हो जाए। All the best.
पर अगर इस खुशी में मेरे फैमिली वाले मेरे साथ होते ना मुझे और खुशी यार छोड़ यार सब हम लोग तो तेरे साथ क्यों परेशान होता है यार हम लोग तेरे साथ हैं सर ये खुशी में हम लोग शामिल हैं ठीक है हम लोग तो सब मेरा साथ चल मतलब बेस्ट सिलेक्शन यार ठीक है चलते If we are one, then no one could be able to break us into pieces. And this criterion for oneness in the society develops when we are going to let our inner nature of helpfulness never die. But this helpfulness should be without any discrimination. That is, on the basis of caste, creed, or religion must never be taken into account for looking whether we must help that person or not. As we know that there is a single power that is omnipresent and that is the sole controller to all of us in relation to self-relativity. इस विश्वविद्यालय को सतही स्तर पर देखना हमारे लिए गलत होगा क्योंकि उससे सिर्फ हमें बाहरी स्तर पर यही दिखाई देगा कि यह विश्वविद्यालय राजनीति का गढ़ है मगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए जब हम अंदर घुसते हैं तो ये तालिबे इल्म का वो जगह वो विशाल गढ़ है जहाँ पर कि हर व्यक्ति हर मुक्तता के साथ पढ़ने और काम करने योग्य स्थान पा सकता है मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ मैंने आज तक कभी भी किसी किस्म के इस इन सारी चीज़ों के ऊपर ना तो ध्यान दिया है और ना ही मैं अपने छात्रों से उम्मीद करता हूँ कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें अगर हमें अपने विश्वविद्यालय को और अपने देश को आगे ले जाना है तो सर्वोत्तम हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन सारी चीज़ों को भुला करके भाईचारे को दिमाग में रखें और एक दूसरे की मदद करते रहें तभी हमारा देश तरक्की करेगा हम तरक्की करेंगे और ये विश्वविद्यालय तरक्की करेगा और इसी से ही हमारा सर्वोन्नत विकास होगा आदाब दोस्तों जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने तहजीब के लिए जानी जाती है उसी तरीके से आज हिंदुस्तान में वो अपनी एक धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए भी जानी जाती है यहाँ पर विभिन्न धर्मों के जातियों के रंगों के देश विदेश और सारी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं लेकिन कभी भी किसी से किसी का धर्म नहीं पूछा जाता किसी की जाति नहीं पूछी जाती किसी की रंग नहीं पूछा जाता अगर उससे पूछा जाता है तो केवल एक कि आप इंसान हैं और हमारा धर्म है कि इंसानियत को आगे बढ़ाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इंसानियत की खातिर बहुत से कदम उठाए हैं मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वकार को समझते हुए आप अपने बच्चों को भेजिए जिस तरीके से आज तमाम मीडिया घरों ने और तमाम अखबारों ने और तमाम लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश की है मेरी आप सभी गार्जियन से सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि अलीगढ़ आएँ और आने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी को देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इज वॉज फाउंडेड वे बैक इन 1875 एज अ कॉलेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज टू इम्पार्ट मॉडर्न एजुकेशन टू द माइनॉरिटीज बट नॉट ओनली टू द माइनॉरिटीज बट टू द यू नो टू द मासेज एज अ होल इट वॉज फाउंडेड बाई लेट सैयद अहमद खान और लेट मी टेल यू दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफर्स क्वालिटी एजुकेशन at affordable cost to all the masses. And that is the beauty of this place. AMU mein, we don't believe in any kind of reservations. Or it is a very secular university with the objective to impart modern education to the society as a whole. Its secularism is evident with the fact that the first graduate of AMU was a non-Muslim, Raja Ishwari Prasad. Or the founder of this great institution, he himself said, that India is like a bride, in Hindustan ek dulhan ki tarah hai, aur Hindu Musliman uski do aankhein, agar ek aankh mein takleef ho to dusri aankh mein dard hona chahiye. Aur hamare yahan across India, chahe wo Kashmir ho, chahe wo North East ho, chahe wo Central India ho, chahe wo South ho, har jagah se bachche padhne aate hain, har almost different religions se padhne aate hain, hum sab ek saath rehte hain,
हमारे यहाँ किसी तरह का कोई कम्युनल फीलिंग नहीं है। नाम ज़रूर एमयू है बट यहाँ पे हिंदूज भी उतनी प्राइड से पढ़ रहे हैं या सिख्स भी उतनी प्राइड से पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियंस भी पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ इस तरह का कोई देयर इज़ नो एनी रिलीजियस रिजर्वेशन। जिस मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ पे कोई किसी टाइप का कोई बायसेंस नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है किसी के खिलाफ। अगर आप, मैं सबको इन्वाइट करता हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे हैं, प्लीज़ एमयू आइए, आके यहाँ आके देखिए, रहिए और आके लोगों से मिलिए, जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनसे भी मिलिए। जितने खुशी से यहाँ पर मुस्लिम्स पढ़ते हैं उतनी खुशी से यहाँ पर नॉन मुस्लिम भी पढ़ते हैं। और आई इन्वाइट ऑल ऑफ द इंडिया स्पेशली द यूथ टू कम एंड एक्सप्लोर एमयू, एंड आई एम श्योर दैट वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन एंड अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।